विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आप मतदान का प्रयोग करें। कितने लोगों ने वोट दिया है और आपके साथ कितने लोग थे, कौन कौन? देखिए, हम अपने पूरे परिवार के साथ निकले हैं और गांव के करीब हमको अंदाजा 2500 लोग साथ में गांव के लोग वोट देने आए हैं जो कतार में खड़े हैं। आपके फादर के साथ हैं, मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुए हैं और गांव के लोग हैं, पूरा परिवार है वोट दे रहा है। देखिए, संकल्प हम लोगों का ये है कि हम इस वोट के दम पर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बिजली का बिल फ्री करेंगे। इस संकल्प के साथ हमको भरोसा है कि ये वोट ऐसा पावर है, इस वोट से हम बिजली फ्री करेंगे, हम बिजली फ्री लेंगे और इस वोट से हम बेहतर शिक्षा लेंगे, इस वोट से हम रोजगार लेंगे, नौकरी लेंगे, हम दवाई लेंगे। इस वोट में इतना बड़ा पावर है कि इस वोट का उपयोग करके हम अपने मन की सरकार बना करके हम सरकार से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, घोसी में क्या है सर, घोसी लोकसभा आपका बेटे भी अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं लड़ाई कुछ घोसी में? बलिया जीतेंगे, गाजीपुर जीतेंगे, चंदौली जीतेंगे, बनारस जीतेंगे, आपके घोसी जीतेंगे, सलेहपुर जीतेंगे, उसी नगर जीतेंगे, महाराजगंज जीतेंगे, 13 के 13 और सीट जीतेंगे। पूरा पूर्वांचल आपका होगा? पूरा पूर्वांचल हमारा है, यहाँ कौन से धमाने की हैसियत में है, किसी के पास कांग्रेस की क्या वोट है, बसपा का क्या है, सपा के पास क्या है, हमने करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 7वें चरण का मतदान है, समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म की नवरात्रि और दीपावली सबसे और सबसे बड़ा महापर्व होता है, उस प्रकार से इस पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा महापर्व है। और अभी मैं मतदान किया, इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मेरा वोट देश के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति और देश के अंदर रहने वाली वो आम जनमानस, वो जनता, चाहे किसी भी वर्ग किसी भी धर्म का हो, ये मेरा एक वोट इस देश की प्रगति के लिए है, अपने घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए है। और हमने इस घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए, इस घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, समस्त समाज, समस्त वर्ग, समस्त धर्मों के लिए मेरा एक वोट सबके तरक्की के, सबके विकास के। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करेंगे, झूम करके मतदान करिए, मोदी जी की सरकार है, मतदान करने में किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे खुश मिजाजी अंदाज में आप मतदान करिए। मतदान करना नितांत आवश्यक है, आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो आपके एक वोट से ही एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप जरूर मतदान। धन्यवाद। क्या मुद्दे रहे, क्या वजह रही, मतलब क्या सोच के आपने मतदान किया, क्या मुद्दे रहे? मतदान किए हैं और मेरा मतदान इस रसना विधानसभा में पहला मतदान है। हम पहली बार यहाँ रसना लोकसभा के अंतर्गत, हाँ, जो रसना विधानसभा है वहाँ मेरा ये पहला मतदान है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पहली बार मतदान करते हुए, और मेरा पहला वोट जो है देश के विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए है। और मैं पूरी आशा के साथ मैंने वो वोट डाला है कि 4 जून 400 पार। अच्छा, और क्या पब्लिक से अपील करेंगी आप? मैं पब्लिक से यही अपील करूंगी कि आप लोग मोदी जी को 4 जून को 400 बार लेकर के जाइए आप। ठीक। मंत्री जी देखिए, यहाँ देखिए, पूरा राजभर परिवार भी है और अच्छा और आने वाले दिनों में जो भी बोलो
इसको विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आप मतदान करते हो, कितने लोगों ने वोट दिया है और आपके साथ कितने लोग थे? कौन कौन? देखिए, हम अपने पूरे परिवार के साथ निकले हैं और गांव के करीब हमको अंदाजा 2500 लोग साथ में गांव के लोग वोट देने आए हैं, जो कतार में खड़े हैं। आपके फादर के साथ क्या होंगे? मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुए हैं और गांव के लोग हैं, पूरा परिवार है वोट दे रहा है। देखिए, संकल्प हम लोगों का ये है कि हम इस वोट के दम पर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बिजली का बिल फ्री करेंगे। इस संकल्प के साथ हमको भरोसा है कि ये वोट ऐसा पावर है, इस वोट से हम बिजली फ्री करेंगे, हम बिजली फ्री लेंगे और इस वोट से हम बेहतर शिक्षा लेंगे, इस वोट से हम रोजगार लेंगे, नौकरी लेंगे, हम दवाई लेंगे। इस वोट में इतना बड़ा पावर है कि इस वोट का उपयोग करके हम अपने मन की सरकार बना करके हम सरकार से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बलिया जीतेंगे, गाजीपुर जीतेंगे, चंदौली जीतेंगे, बनारस जीतेंगे, आपके घोसी जीतेंगे, सलेपुर जीतेंगे, कुशीनगर जीतेंगे, महाराजगंज जीतेंगे, 13 के 13 से जीतेंगे। पूरा पूर्वांचल आपका होगा? पूरा पूर्वांचल हमारा है। यहाँ कौन से मारने की हैसियत में है? किसी के पास कांग्रेस की क्या वोट है, सपा का क्या है, सपा के पास क्या है? हमने करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 7वें चरण का मतदान है, समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म की नवरात्रि और दीपावली सबसे बड़ा महापर्व होता है, उस प्रकार से इस पूरे देश के 140 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा महापर्व है। और अभी मैं मतदान किया, इतने मन में प्रसन्नता हुई कि मेरा वोट देश के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति और देश के अंदर रहने वाली वो आम जनमानस, वो जनता, चाहे किसी भी वर्ग किसी भी धर्म का हो, ये मेरा एक वोट इस देश की प्रगति के लिए है, अपने घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए है। और हमने इस घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए, इस घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, समस्त समाज, समस्त वर्ग, समस्त धर्मों के लिए मेरा एक वोट सबके तरक्की के, सबके विकास के। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करेंगे, झूम करके मतदान करिए। मोदी जी की सरकार है, मतदान करने में किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे खुश मिजाजी अंदाज में आप मतदान करिए। मतदान करना नितांत आवश्यक है। आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो आपके एक वोट से ही एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप जरूर बताएं। धन्यवाद। क्या मुद्दे रहे, क्या वजह रही, मतलब क्या सोच के आपने बताया, क्या मुद्दे रहे? मतदान किए हैं और मेरा मतदान इस रसना विधानसभा में पहला मतदान है। हम पहली बार यहाँ रसना लोकसभा के अंतर्गत, हाँ, जो रसना विधानसभा है वहाँ मेरा ये पहला मतदान है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पहली बार मतदान करते हुए। और मेरा पहला वोट जो है देश के विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए है। और मैं पूरी आशा के साथ मैंने वो वोट डाला है कि 4 जून 400 पार। अच्छा, और क्या पब्लिक से अपील करेंगी आप? मैं पब्लिक से यही अपील करूंगी कि आप लोग मोदी जी को 4 जून को 400 पार लेकर के जाइए आप। ठीक, पूरी उम्मीद है कि यह चुनाव जनता लड़ रही है, मोदी जी के किए हुए कामों के नाम पे लड़ रही है। भविष्य में आगे आने वाले दिनों में जनता को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। उनको भरोसा है कि अब आने वाले दिनों में हमारे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये जनता को भरोसा हो गया है, महिलाओं को भरोसा हो गया है कि 35% आरक्षण जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है वो आने वाले दिनों में कानून का रूप ले लेगा। इस पे महिलाओं को भरोसा हो गया है, नौजवानों को इस बात का भरोसा हो गया है कि मोदी जी के राज्य में आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाएगी। इस पे भरोसा है, महिलाओं को 3 करोड़
महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो 24 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे, इससे महिलाओं को भरोसा है। तो मोदी जी पर भरोसा है और भरोसे पर जनता मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है, अंतिम चरण का चुनाव है। हम तो गांव-गांव जाके देख रहे हैं, लोगों को ये विश्वास है कि जो काम 500 साल में नहीं हुआ उस काम को मोदी जी ने 10 साल के अंदर भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बनवा दिया। आप भी मतदान करने जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से मतदान के लिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि एक भी वोट छूटने न पावे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत से ये हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया है और ये वोट आपके भविष्य, आपके विकास, आपके बच्चों के भविष्य निर्भर करता है। और घर से निकल करके हम सभी मतदाताओं से, जो 7वें चरण के देश के मतदाता या पूर्वांचल के, यूपी के पूर्वांचल के जो 13 सीटों के चुनाव बाकी हैं, उन सीटों पर हम मतदाताओं से कहूँगा कि घर से सुबह निकल करके बूथ पर जा करके मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आखिरी चरण का मतदान है, उसी बीच कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री को लेकर पसंद राहुल गांधी है। देखिए उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के वो नेता हैं, तो भाई वो हमको और हमारे नेता को थोड़े मानेंगे, वो तो मानेंगे उन्हीं को ना, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले ही NDA गठबंधन ने तय कर लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और आप देखिएगा ना, 4 जून को जब गिनती होगी, 4 बजे आप ही लोगों की स्क्रीन पर 400 पार का रिजल्ट आएगा। इंडिया ब्लॉक ने आज मीटिंग बुलाई है जिसमें वो 4 तारीख के बाद की जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या करनी है, कैसे कार्यकाल होगी, उसको डिस्कस करेंगे। वो विदेश जाने की तैयारी करेंगे आज। ठीक है सर। सर एक बड़ा विवाद हो रहा है प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसके वजह से वो बिना वजह बोल रहा है। सबको छूट है, वो क्यों नहीं जाते? वो तो भगवान राम के मंदिर जाने से लोग इनकार कर दिए। पूरा देश अपने अपने धर्म को, अपने प्रभु को मानता है, लेकिन वो तो नहीं मानते, नहीं गए। जब विधानसभा के जो सदस्य शपथ लेने वाले लोग स्पीकर की बात नहीं माने, तो उनके विषय में क्या कहना है? वो जहाँ हैं खुशहाल रहें और सत्ता के लिए अब न लड़ें, अब घर में अपने खुशहाली से रहें। और जहाँ जहाँ विदेशों में लोग होटल बना लिए हैं, जमीन ले लिए हैं, वहीं जाके खेती करें, होटल में मजा लें। आखिरी सवाल सर, आज से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि वो एग्जिट पोल में हिस्सा, जो डिबेट होगी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि हिस्सा लेके क्या करेंगे, जलील होंगे। कांग्रेस पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को, अल्पसंख्यक को लंबे समय तक शासन करके कुछ नहीं दिया तो क्या पाएगी कांग्रेस? वही हाल सपा बसपा का है। ये सब लोग जान चुके हैं, डिबेट में जाएंगे तो जलील होंगे, पूछा जाएगा कि कहाँ गया आपका काम, कहाँ गया नारा, तो क्या जवाब देंगे? इस नाते वो लोग पहले से जान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार जब स्क्रीन पर चलेगा तो जवाब क्या देंगे? धन्यवाद। किया तो भड़क गए वो मुसलमानों, यही सवाल किया कि हम आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% थे तो सपा कांग्रेस बसपा ने कितना विकास किया कि आज हम 1% रह गए। ये नुकसान किसने किया? मोदी जी ने नहीं किया, ये नुकसान आप लोगों ने किया है। उसी पर मीटिंग छोड़ के भाग गए। उनसे पूछिएगा कि इस पे आपका क्या कहना है। आप पुलिस की भर्ती सरकार आपकी थी 4 बार, तो मुसलमानों को कितना पुलिस में भर्ती किया, लेखपाल में कितना भर्ती किया, कानूनगो में कितना भर्ती किया, नौकरियों में कितना हिस्सा उनको दिया? खाली वोट के ठेकेदार बने हो आप लोग, वोट दिलाने का जिम्मेदारी लिए हो? ये बात मुसलमान समझ गया है, मुसलमान को भरोसा। 3 तलाक का कानून जब मोदी जी ले आए यही सपा के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं मुस्लिम वो मोदी जी के नाम पर वोट दे रही हैं, उनको क्या पता है? 20-25% वोट मुसलमान मोदी जी को दे रहा है। ये झूठे पे पे चिल्ला रहे हैं, चुनाव आने दीजिए ना, 4 तारीख को जब गिनती होगी ना, तो देखिएगा कि मुंह बगल भाग खड़े होंगे काउंटिंग से। हसुली भी टूटा है, सब कुछ का हमारे ऊपर है। सरकारी फायदा वायदा मिलता है क्या? एक पेंशन मिलता है, किसानी मिलता था सबको तोड़ दिए लोग। घर में कौन कौन है? घर में हम हैं, बूढ़ी है। अच्छा। और नाती नतकुर हम सब। अच्छा। तो वो सब नहीं आए वोट डालने? वो अभी नहीं आए हैं, गए हैं ससुराल, देखे तो कब आवे लोग। अच्छा, हर बार वोट डालने आते थे? हाँ, हर बार डालते हैं। अरे यहाँ आवा ना।
और पीछे हो जाओ और पीछे हो और पीछे हो जाओ हाँ उनको फ्रेंड उनको बिजली बिजली से यार आंसर देने जाओ किसी वोट से उनको बेहतर स्वास्थ्य के लिए इलाज के लिए किसी वोट से उनको बेहतर मिलेगी।